तो दोस्तों मोज एप्लीकेशन में चल रहे मोज फॉर क्रिएटर प्रोग्राम में अगर आपको 10 दिन में सिलेक्शन चाहिए तो जो मैं ट्रिक आपको देने वाला हूँ उसे ध्यान से समझ लेना ताकि आपको भी 10 ही दिन में सिलेक्शन मिल जाएगा। मैंने 3 आईडी से सिलेक्शन लिया है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में, ठीक है। तो आपको भी अगर चाहिए तो मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से एक बार सुन लेना और सब कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ टॉपिक है वो मैं बात करता हूँ उसके बारे में, इसके बाद में प्रैक्टिकली भी एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो मोज एप्लीकेशन पे जब आप MMC में अप्लाई कर देते हो, सबमिट कर देते हो फॉर्म, इसके बाद तुरंत आपका प्रोफाइल रिव्यू में चला जाता है, ठीक है। उस टाइम आपको क्या करना है तो मेन आपकी कैटेगरी पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। जो कैटेगरी आपकी सिलेक्ट की है मतलब कि कॉमेडी कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है तो कॉमेडी ही वीडियो डालने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोज कैमरा ही यूज करना है। जब तक आप मोज कैमरा यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो प्रोफाइल होगा वो 30 दिन के लिए वेटिंग में चला जाएगा। 30 दिन के बाद भी अगर हो सकता है अगर आपने मोज कैमरा यूज़ नहीं किया तो फिर से 30 दिन आ सकता है, ठीक है। तो ये दिक्कत से अगर आपको बाहर निकलना है और 10 आपका जो प्रोफाइल रिव्यू में जाता है तो 10 दिन के लिए रिव्यू में रहता है, ठीक है। उसी टाइम आपको ये काम करना है ताकि आपका 10 ही दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मोज कैमरा यूज़ नहीं करोगे, इसके बाद ट्रेंडिंग हैशटैग आता है, ट्रेंडिंग हैशटैग अगर आप यूज़ नहीं करते हो डेली एक एक ट्रेंडिंग हैशटैग भी यूज़ करना है, ठीक है। ट्रेंडिंग हैशटैग में क्या होता है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो भले ही ना हो ट्रेंडिंग हैशटैग में लेकिन आप डाल सकते हो, ठीक है। इसमें कैटेगरी को कोई मायने नहीं रखता है लेकिन ट्रेंडिंग हैशटैग पर आप वीडियो डालना जरूरी है, भले ही आपकी कैटेगरी के बाहर का वीडियो हो लेकिन आपको बना लेना है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग हैशटैग की बात हो गई, इसके बाद इसमें एक नोटिफिकेशन आपको ऊपर आएगा, ट्रेंडिंग हैशटैग भी बोला जाएगा और मोज के जो लेंस होते हैं मतलब कि कैमरा ओपन करते हो तो कैमरा शूट बटन के साइड में ही लेंस का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको लेंस यूज करने, ठीक है, जो लेंस यानी कि फिल्टर ही है कुछ इस तरह से, तो फिल्टर भी यूज करो उस लेंस वाला, ठीक है। लेंस में जो भी फिल्टर है सभी को एक दिन एक यूज करना है, ठीक है। 7 से 8 दिन में आप सातों मतलब कि 7 दिन या 10 दिन आप ऐसे काम करोगे तो सभी वीडियो में मतलब एक वीडियो आपको लेंस से बनानी है, कॉमेडी कंटेंट हो तो कॉमेडी में बनानी है। और इसके बाद ट्रेंडिंग हैशटैग की बात हो गई, कि ट्रेंडिंग हैशटैग तो जो भी आपका हैशटैग होता है उसके साथ फिल्टर वगैरह ऑलरेडी होता है और नहीं भी होता तो आपको जो करना है अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रेंडिंग हैशटैग पर एक वीडियो बनानी है और आपकी कैटेगरी पर डेली 3 वीडियो बनानी है, टोटल 4 वीडियो हो गई और एक लेंस वीडियो यानी कि लेंस यूज करके एक वीडियो बनानी है। और हो सकता है आपको ज़्यादा वीडियो पड़ रही है तो आप डेली 2 वीडियो लेंस से बना सकते हो अपनी कैटेगरी को लेकर और एक वीडियो हैशटैग पर, ठीक है। तो डेली 3 वीडियो आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वो कैसे सर्च करते हैं और लेंस कैसे यूज करते हैं मैं आपको मोबाइल पे जाके प्रैक्टिकली एक बार दिखा देता हूँ। तो कई सारे लेंस आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर मोज खुद बोलता है कि आपको ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करना है, मोबाइल का जो मोज का कैमरा है वो यूज करना है और जो लेंस है वो भी यूज करना है, ठीक है। तो जब तक आप ये 3 चीज़ नहीं करोगे तो आपको MFC में सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। टाइम लगेगा, 30 दिन का वेटिंग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 दिन में आपका जो प्रोफाइल रिव्यू में रहता है उसी टाइम अगर ये काम कर लोगे तो आपको 100% आपको MFC में सिलेक्शन मिल जाएगा, जैसे कि मुझे 3 आईडी में मिल गया है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आपने अगर इंस्टाग्राम आईडी जो है आपका वो अगर मोज के साथ लिंक नहीं किया है तो वो जरूर कर दें। और इंस्टाग्राम आईडी जो भी आप लिंक करते हो उस पर आपका रील्स वीडियो भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि दोनों आईडी को मैच करेंगे, आपका फेस मिलना होना चाहिए। मतलब आपने मोज एप्लीकेशन पर जिस फेस पर यानी कि खुद की वीडियो डाली है तो रील्स पर यानी कि इंस्टाग्राम रील्स पर भी आपकी खुद की वीडियो होनी चाहिए, तो दोनों वीडियो मैच हो जाएगी तो भी आपके सिलेक्शन के जो चांस होती है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंस्टाग्राम आईडी कैसे अटैच करते हैं और ट्रेंडिंग हैशटैग लेंस वगैरह कैसे यूज करते हैं। चलिए कि सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इंस्टाग्राम को मोज आईडी से लिंक कैसे करें। तो सबसे पहले एडिट प्रोफाइल में जाना है और लास्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करने का बोला जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा है मेरा सेकंड आईडी, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अनलिंक का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप जब क्लिक करोगे तो इंस्टाग्राम लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा और यहाँ पर इस तरह से इंस्टाग्राम ऐड हो जाएगा। ऊपर से सेव बटन क्लिक करना है तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले MFC में सिलेक्शन के लिए इंस्टाग्राम लिंक करना ज़रूरी है। दूसरी बात कि इंस्टाग्राम पर आपके वीडियो भी होने ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर मेरे खुद के वीडियो है
रील्स में हो या पोस्ट में कोई भी हो चलेगा, लेकिन खुद के वीडियो इस तरह से अपलोड होने चाहिए इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने खुद के वीडियो वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मेरे वही फेस वाले वीडियो है, मतलब कि खुद के वीडियो है, ठीक है। तो ये बात हो गई साफ, दोनों आईडी रिव्यू होती है इंस्टाग्राम की और मोज की, ठीक है। एमएफसी में अप्लाई करने के बाद मोज टीम दोनों आईडी को रिव्यू करती है, तो दोनों पर वीडियो आपके होने ज़रूरी है ताकि आपके चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, ट्रेंडिंग हैशटैग कहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारे जो बैनर है, सर्च बार में जाओगे तो ऊपर सारे बैनर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर देता हूँ। तो ये सारे बैनर हैं, उस पर आपको वीडियो बनाने हैं डेली, ठीक है। 7-8 ऐसे ट्रेंडिंग हैशटैग ऑलरेडी मिल जाएंगे आपको, डेली एक एक ट्रेंडिंग हैशटैग यूज करके आपको वीडियो बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट वीडियो पर जाता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पर फिल्टर ऑलरेडी लग गया है, सिर्फ वीडियो को शूट कर देना है। साउंड वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, और जो भी अंदर बताया गया है कुछ वीडियो आपको यहाँ पर देख लेनी है ताकि आपको समझ आ जाएगा कि वीडियो में करना क्या है, ठीक है। तो ये डेमो वीडियो आपको मिल जाएगी कई सारी। तो इसी तरह से ट्रेंडिंग हैशटैग पर डेली एक वीडियो बनानी है और अपनी कैटेगरी पर दो दो वीडियो डेली बनानी है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली थी लेंस कैसे यूज करते हैं, तो जस्ट आप कैमरा ओपन करोगे ऐसे, तो यहाँ पर साइड में लेंस का बटन आपको मिल जाएगा दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारे लेंस हैं, उस पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वीडियो बना सकते हो, मतलब कि कॉमेडी कैटेगरी है तो लेंस यूज करके आप कॉमेडी वीडियो बना सकते हो, डांस करते हो तो डांसिंग के साथ भी लेंस वीडियो यानी कि लेंस यूज कर सकते हो। तो ये सारे फिल्टर ही हैं, इस टाइप के फिल्टर आपको यूज करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे फिल्टर हैं जिसे लेंस बोलते हैं मोज पर, तो ये सारे आपको यूज करने हैं, ठीक है। अगर आप सिंगिंग करते हो तो ये वाला आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, माइक वाला, तो माइक के साथ सिंगिंग करना अच्छा रहेगा, इसमें व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, व्यूज़ के साथ साथ आपका एमएफसी में सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम आईडी को लिंक करना है मोज प्रोफाइल से, जो मैंने बता दिया। इसके बाद ट्रेंडिंग हैशटैग जो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा वो आपको यूज़ करने हैं डेली एक एक, और जो लेंस की बात की है तो कैमरा से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर लेंस आ जाएंगे, तो लेंस भी डेली आपके कैटेगरी वाले वीडियो पर यूज करने हैं। ये तीन चीज़ें आप प्रॉपरली करोगे तो 10 ही दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। होल्ड ऑन टाइट में आपका प्रोफाइल नहीं जाएगा, सीधे का सीधा आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, 30 दिन का वेटिंग बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे 3 आईडी सिलेक्ट हुए हैं, मुझे वेटिंग का ऑप्शन ही नहीं आया, ठीक है, 30 दिन का, तो आपका भी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।